हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं बच्चों एनटीए की तरफ से, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला अपडेट, जैसे ही आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज exams.nta.ac.in पर जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ टैब में दिख रहा होगा क्लिक हेयर फॉर सिटी इंटीमेशन। यहाँ लिखा भी है, रेड कलर से लिखा आ रहा है, सिटी इंटीमेशन इज लाइव, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही आते हैं, जनरली 3 to 4 days पहले आते हैं, और तब आपको ये पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कौन सी सिटी में है। तो हो सकता है वहाँ जाने के लिए जो भी टिकट्स वगैरह जो भी अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ते हैं उसके लिए सफिशिएंट टाइम ना बचे, इसलिए एनटीए ने आपको अभी से आपका जो सिटी है, जो भी एग्जामिनेशन सिटी होगी जहाँ पर आपका सेंटर आएगा, वो आपको अभी से बता दी है। ओके, कैसे आपको उस सिटी के बारे में पता चलेगा, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ सिटी इंटीमेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जब आपने फॉर्म फिलिंग किया था आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एंड देन सिक्योरिटी पिन डालना है और सबमिट कर देना है। तो इसमें जो भी एक ओपन होगा उसमें आपकी सिटी लिखी हुई होगी, उसी सिटी में आपका सेंटर आएगा। वैसे मोस्टली तो एनटीए जो आपने अपनी चॉइस ऑफ सिटी लिखी है या जो भी आपकी सिटी है वहीं पर आपको सेंटर देता है, जिससे बच्चों को अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। बट कुछ जगहों पर अगर सेंटर नहीं है तो फिर उन्हें दूसरी सिटीज़ का सेंटर भी दिया जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि अभी से आप जरूर से चेक कर लें कि आपकी सिटी कौन सी रहेगी। ठीक है, क्लियर। देन दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एनटीए ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों आपके फोटोग्राफ करेक्शन के लिए, क्योंकि एनटीए इसमें यहां पे एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एनटीए की तरफ से। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए 23 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, एंड इट इज रिलेटेड टू द करेक्शन ऑफ फोटोग्राफ इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट 2024। इसमें एनटीए ने लिखा है कि जब उन्होंने फोटोग्राफ्स चेक किए तो कुछ कैंडिडेट्स के थ्रू जो फोटोग्राफ्स अपलोड हुए थे वो सही नहीं थे, जिसकी वजह से अभी उनके एडमिट कार्ड के लिए जो प्रोसेसिंग होती है उसको अपहोल्ड कर दिया गया है। अब वो कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनके फोटोग्राफ्स एनटीए को सही नहीं लग रहे हैं वो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है, द एडमिट कार्ड ऑफ सच कैंडिडेट इज लाइकली टू बी विदहेल्ड, द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रेफर टू द रिमार्क कॉलम ऑफ देयर एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप। जैसे ही आप वो सिटी इंटीमेशन स्लिप पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक रिमार्क कॉलम में ये बात लिखी होगी, अगर आपका फोटोग्राफ जो है वो सही नहीं है तो उन्होंने कोई भी एक आपको वहाँ पे हिंट दी होगी कि आपको अपना फोटोग्राफ दोबारा से अपलोड करना है या उसमें ये प्रॉब्लम है। ओके, जैसे कई बार क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फोटोग्राफ दोबारा खिंचवाना पड़े। कुछ बच्चों ने हो सकता है नेम एंड डेट के साथ नहीं करा, कुछ बच्चों ने हो सकता है कि फोटोग्राफ्स के लिए जो इंपॉर्टेंट दिए गए थे ना कि भाई ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको फोटो खिंचवाना है, अगर आपसे मिस हो गया तो मैं लिंक जो मैंने उसके लिए शॉर्ट बनाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी कि फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। अगर वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आप दोबारा फोटो क्लिक करवा के रखें, और जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होती है, कब ओपन हो रही है बच्चों, ये करेक्शन विंडो सब चीज़ों के लिए नहीं है, वो तो पहले ही हो चुकी है। दिस करेक्शन विंडो विल बी ओनली फॉर द फोटोग्राफ अपलोडिंग, वो भी सभी कैंडिडेट्स को नहीं करनी है, जिन कैंडिडेट्स का फोटोग्राफ इम्प्रॉपरली अपलोड हुआ है उन्हीं को ये चीज़ करनी है। तो उसके लिए एनटीए ने आपको 2 दिन का टाइम दिया है, दैट इज 25th अप्रैल एंड 26th अप्रैल। 25th अप्रैल को सुबह 7 बजे से ये विंडो ओपन हो जाएगी एंड 26th अप्रैल को रात को 12 बजे तक ये विंडो ओपन रहेगी। तो इन शॉर्ट आपके पास 2 दिन का टाइम है, कल और परसों का। आपको अगर इस इंटीमेशन स्लिप में लिखा हुआ है कि आपका फोटोग्राफ कहाँ पे देखना है आपको, रिमार्क कॉलम में, तो अगर वहाँ लिखा हुआ है तो आपको अपना फोटो अपलोड करना है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जब भी ये करेक्शन विंडो ओपन होती है तो एक बार सभी बच्चे लॉगिन करके चेक कर लें कि वहाँ पे कोई ऐसा रिमार्क तो आपको नहीं दिया है दैट यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ अगेन। ठीक है, बाकी जिन्होंने अपलोड किया है सब कुछ सही है, उन्हें अननेसेसरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, आप अपना पूरा फोकस अपने रिविज़न पे ही करेंगे। ठीक है, ओके। द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू मेक द करेक्शन लेटेस्ट बाय 26th अप्रैल, देयर आफ्टर नो करेक्शन शेल बी एंटरटेन्ड। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों की एनटीए ने इस बार रजिस्ट्रेशन विंडोज भी दोबारा ओपन किए थे, उनमें करेक्शन के लिए भी दोबारा आपको चांस दिया। तो एनटीए हर तरह से चाहता है कि कोई भी बच्चा अननेसेसरी एग्जाम देने से ना रह जाए, उसके लिए आपको बार बार चांस दिया जा रहा है। फिर भी अगर आप गलती करेंगे तो वो पूरी तरह से आपकी गलती मानी जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ लिखी है कि अगर आपको फोटो अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है
तो आप NTA का हेल्प डेस्क नंबर दिया है बच्चों, ये आप नोट कर लें, दैट इज 9111407590, इसको आप नोट कर लें या फोटोग्राफ ले लें, इस नंबर पे कॉल करके बताएं, या फिर NTA ने अपनी वेबसाइट दी है neet@nta.nic.in, इस पर तुरंत एक मेल कर दें, अभी कल जब करेक्शन विंडो ओपन होगी अगर आपका फोटोग्राफ नहीं अपलोड हो रहा है तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, वेदर यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन सेंड एन ईमेल, ठीक है, क्लियर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, एंड लास्ट में इसमें लिखा है प्लीज़ अपडेट योर करेक्ट फोटोग्राफ ड्यूरिंग द फोटो अपडेट विंडो इन नेक्स्ट फ्यू डेज टू एंश्योर टाइमली इशुएंस ऑफ योर एडमिट कार्ड सिंस इट इज़ अ वन टाइम फैसिलिटी टू अवॉइड विदहोल्डिंग ऑफ द इशुएंस ऑफ द एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स NTA की तरफ से थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, फर्स्ट योर सिटी इज लाइव कि आपकी एग्जाम सिटी क्या होगी वो आप चेक कर लें NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्लिक हियर फॉर सिटी इंटीमेशन में जाकर, और अगर वहाँ पे कोई रिमार्क है कि आपको आपका फोटो दोबारा अपलोड करना है तो आप कल यानी 25 अप्रैल से लेकर परसों यानी 26 अप्रैल तक अपना फोटोग्राफ दोबारा अपलोड कर लें। अगर आपको लगता है पहले का फोटोग्राफ सही नहीं खिंचवाया था तो दोबारा क्लिक कर लें, हेजी अपलोड हो गया था तो भी दोबारा उसको अपलोड कर लें, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज यू कैन करेक्ट इट, ओके। और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट NTA की तरफ से आता है तो विल इन्फॉर्म यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट।